हेलो गाइस, वेलकम टू पीजे व्लॉग। मैंने कल जो इससे पहले वाला व्लॉग था उसमें कहा था कि हम जलंधर जा रहे हैं, जलंधर से भी आगे की हमारी जर्नी थी। आगे की जर्नी क्या है, कहाँ पे जा रहे हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। फिलहाल सुबह 4 बजे जो है, 4 बजे से हम जो है ट्रैवल कर रहे हैं और इस समय आई थिंक 7 बज गए हैं, 7:30 बज गए और अब पहुँच गए हैं इस टाइम पे हम सांभा। और आगे आपको बताते हैं कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल तो हम JNK की हद में और यहाँ पे जो हमारे फोन के नेटवर्क है वो बिल्कुल बंद है। बारिश का मौसम हो और वो भी पहाड़ों में तो भाई कमाल ही हो जाता है। इस समय हम ऑलमोस्ट कटड़ा पहुंचने वाले हैं। मतलब कल हम मेरठ से जलंधर आए थे और फिर जलंधर से जो हमारी जर्नी थी कटड़ा की थी, माँ वैष्णो देवी जा रहे हैं। और यहाँ पे इस समय बारिश हुई है तो मौसम जो है बहुत अच्छा हुआ हुआ है। वैसे भी बारिश जब हो जाती है तो मौसम एकदम बढ़िया हो जाता है। और इस समय जो पहाड़ हैं, पहाड़ों पर आप देख सकते हो कि बादल जो हैं, क्लाउड्स जो हैं, बिल्कुल एकदम नीचे आ रखे हैं क्योंकि बारिश का मौसम हुआ है। तो बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है और एकदम ठंडा ठंडा मौसम है। और ठंडे से मौसम में सुबह का टाइम है, चाय का कप मिल जाए तो क्या बात है। और इस समय हम जो रुके हैं वो रुके हैं हवेली पे, बहुत अच्छा आउटलेट है। वैसे जम्मू में भी बहुत सारी डेवलपमेंट जो है वो हो गई है। तो फिलहाल हम एक छोटे से टी ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके हैं, टी ब्रेक के बाद फिर से आपसे मिलती हूँ। सुबह सुबह जर्नी करने के बाद, 4 बजे की जर्नी करने के बाद अभी हम कटरा पहुँचे हैं। तो कटरा का जो ये मेन चौक है, इसी से जो यात्रा भी शुरू होती है और सारी जो मेन मार्केट है कटरा की वो भी इसी चौक से शुरू होती है। तो एंजॉय कीजिए। अभी हम अपने रूम में पहुँच गए हैं, रूम में पहुँच के थोड़ा सा रेस्ट किया है, उसके बाद रेडी हुए हैं। अब हम ऊपर चढ़ाई की तरफ यानी कि ट्रैकिंग के लिए जाएंगे क्योंकि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और कटरा में रूम जो था हमारा पहले से बुक था, हम रेडी हो गए हैं। बस जस्ट 5 मिनट्स वी आर रेडी टू गो। फाइनली जो है यात्रा शुरू हो गई है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और ये वाला जो रास्ता है, ये नया रास्ता है, ये ताराकोट से निकलता है क्योंकि जो पुराना वाला रास्ता था उसमें तो एक तो घोड़े बहुत ज़्यादा चलते हैं तो वो चलने के लिए कन्वीनियंट नहीं है। दूसरा जो ये रास्ता है वो 1.5 किलोमीटर जो है हमारा पीछे बचा देता है। तो आप जब भी यात्रा करो माता वैष्णो देवी की, ये रास्ते का इस्तेमाल जो है ज़रूर करो, ताराकोट वाले रास्ते का। माउंटेन्स में आओ और मैगी ना खाओ ऐसा तो हो नहीं सकता। माउंटेन्स वाली मैगी तो हर कोई मिस करता है और जब भी कोई माउंटेन में जाता है मैगी तो ज़रूर खाता है। तो हम भी मैगी खा रहे हैं। वैष्णो देवी की यात्रा में आते हैं ना तो मोस्टली, मैंने 2 बार पहले भी आई हूँ, हमेशा जो सीढ़ियों वाला रास्ता है उसका इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें जो स्ट्रेट रास्ता जा रहा है उससे जाना चाहिए, उससे थकान नहीं होती। पर एक बात है, थकान तो नहीं होती पर टाइम ज़्यादा लगता है उस रास्ते में, सीढ़ियों में सांस भी चढ़ता है जैसे मुझे अब चढ़ रहा है। पर ये रास्ता जो होता है डायरेक्ट आपको वहाँ पहुँचा देता है और मुझे लगता है 1.5 किलोमीटर का फ़र्क भी जो है वो भी पड़ जाता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सांस चढ़ रहा है मुझे और यहाँ से जो आप व्यू है वो आप देख सकते हो। कितना थक गए हैं? अच्छा गाइस, अभी हमने बहुत सारा ट्रैक कर लिया है, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर मतलब लेफ्ट है अर्धकुंवारी पहुँचने में। अभी आई थिंक 2 से 3 घंटे हो गए हैं चलते चलते, हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मेरा तो कहना ये है कि आगे अर्धकुंवारी पे जो भी बैटरी रिक्शा मिलती है वो ले लेनी चाहिए। बाकी देखो माता की शक्ति जितनी है उतना तो हम चलेंगे चलेंगे। एक बात मैं कहना चाहती थी कि जो ये नया रास्ता है इस पर मैगडी का स्टोर भी है, इस पर बीकानेर वाले का स्टोर भी है। सो वैष्णो देवी का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया है। आप सोच सकते हो कि हर तरह का स्टोर जो है आपको मतलब 200-200 मीटर 300-300 मीटर पर मिल ही जाएगा। तो खाने की तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आप साथ में कुछ कैरी नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आके इजीली खा सकते हो। मैंने आपको अभी बताया था कि खाने की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ देखो बीकानेर वाले का स्टोर भी है, अर्धकुंवारी से 2 किलोमीटर पीछे ही है ये वाला स्टोर, और इससे 1 किलोमीटर पीछे जो है हमें मैगडी का स्टोर भी मिला था। फाइनली जो है हम अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं, 4 घंटे हमें लग गए हैं अर्धकुंवारी पहुँचने। और जो मैं आपको 2 रास्ते बता रही थी, ताराकोट वाला रास्ता जो है वो ये वाला है और जो दूसरा रास्ता है जो मेन रास्ता है वो ये वाला, यहाँ पे आके ये जो दोनों रास्ते हैं वो अटैच हो जाते हैं। फिर यहाँ से एक ही रास्ता है जो ऊपर मेन जा रहा है और जो जिस रास्ते से हम आए हैं उससे 1 किलोमीटर मतलब कम कर दिया है हमारा पूरा रास्ता। अब यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। नवरात्रों के लिए मंदिर देखो कितना सुंदर सजा हुआ है। जग दया मेरे अम्मे हो रही।
मंदिर में जाने से पहले आपका सब कुछ सबमिट हो जाता है, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, एवरीथिंग जो भी आपके पास होता है। तो उस वजह से मैं जो मंदिर की क्लिप्स है वो नहीं ले पाई। तो हम रात को 2:30 बजे अप्रॉक्स नीचे आ गए थे। सुबह मतलब 2:30 बजे ही हमने शुरू किया था और 2:30 बजे हम नीचे आ गए थे। मतलब 12 घंटे की जो यात्रा थी हमारी सक्सेसफुल रही, बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए हमें। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि श्राइन बोर्ड को चाहिए कि नीचे तो उन्होंने पूरी व्यवस्था जो है पूरे अच्छे ढंग से कर रखी है, पर जब हम सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर के आस मतलब बिल्कुल पास जाते हैं तो वहाँ पर जो कोई भी सुविधा उन्होंने नहीं दे रखी। किसी को कुछ नहीं पता होता कि किधर जा रहे हैं, एक ही लाइन में भीड़ के पीछे सारे चल रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम होना चाहिए। नीचे तो इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी चेकिंग हो रही है, सबको लाइंस में क्यूज़ में खड़ा किया जा रहा है, पर ऊपर जाके ये व्यवस्था जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। और दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो यात्रा का प्रोग्राम है वो इंस्टेंट बनता है। मतलब पता नहीं होता हमें 2-3 महीने पहले कि हमने जाना है, तो इंस्टेंट प्रोग्राम बनता है। उसके लिए वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति नहीं चल पाता तो ऑनलाइन फैसिलिटी दे रखी है श्राइन बोर्ड ने कि उन्होंने बैटरी कार भी दे रखी है, घोड़े भी हैं वहाँ पे, बग्गी भी है, बग्गी की व्यवस्था भी है, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी है। कई बार होता है कि हम सब कुछ मतलब घर से ही करके जाते हैं, ऑनलाइन सब कुछ करके जाते हैं। तो हमने भी कोशिश की थी, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम था इंस्टेंट बना था, तो हमने भी कोशिश की थी कि हमें हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाए या बैटरी कार की सुविधा मिल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे ऑलरेडी 2 से 3 महीने की बुकिंग दे रखी थी। हमने सोचा कि हम जाके वहाँ पे ट्राई करते हैं, और जाके हमने देखा कि वहाँ पे तो कोई बंदा अच्छे से जवाब भी नहीं दे रहा श्राइन बोर्ड वाला, जो उन्होंने कमेटी में लगा रखे हैं, आर्मी वाले बेसिकली लगा रखे हैं, उनमें से कोई भी वहाँ पे अच्छे से जवाब भी नहीं दे रहा। उनसे बार बार पूछने पे हमें ये पता चला कि ऑफलाइन की कोई क्यू ही नहीं है, ऑफलाइन आपको कोई भी टिकट अवेलेबल ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा गलत लगा कि मतलब चलो ठीक है ऑफलाइन वालों को प्रायोरिटी नहीं दें, पर थोड़ा सा तो उनको देखें कि जो व्यक्ति चलने के काबिल नहीं है, चलो हम तो चलने के काबिल थे, हम चल के पहुँच गए वहाँ पर, पर जो चलने के काबिल नहीं है एटलीस्ट उनका तो थोड़ा सा ध्यान करें। तो गुजारिश है श्राइन बोर्ड वालों से कि इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें। बाकी जो यात्रा है बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छे से हमें दर्शन हुए। तो आप भी माता जी के पास आइए, माता जी को दर्शन दीजिए, माता जी के दर्शन कीजिए बेसिकली। तो नवरात्र भी आने वाले हैं, तो ऊपर सारी डेकोर जो है वो शुरू हो गई थी, बहुत सुंदर मंदिर जो है सजाया जा रहा था। नवरात्र में अगर आप माँ वैष्णो देवी आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा इसके लिए अवेयर रहें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको क्राउड मिलने वाला है। अभी भी हमें बहुत ज़्यादा क्राउड वहाँ पे मिला है। अभी तो नवरात्र नहीं है, पर नवरात्र में कहा जाता है कि भक्त बहुत ज़ोर शोर से माँ के दर्शन करने आते हैं। तो अगर आप भी नवरात्र में प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा पहले से आप प्लान करके चलें चीज़ों को, कि आपको कोई भी ऑफलाइन टिकट्स, ऑफलाइन बैटरी कार, ऑफलाइन हेलीपैड, इवन रोप वे की फैसिलिटी भी जो है वो नहीं मिलने वाली। तो अपनी जो यात्रा है सक्सेसफुल, अगर आप नहीं चल पा रहे, नहीं चलना चाहते, ट्रैकिंग नहीं होगी आपसे, तो पहले से ये चीज़ें सोच के आएँ और 2 से 3 महीने पहले जो है बुकिंग ज़रूर करवा के आएँ। बाकी अभी हम थोड़ी देर में, अभी हम होटल में ही हैं, थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे वापसी के लिए, क्योंकि आज रात की हमारी ट्रेन भी है, हमें वापस मेरठ जाना है। अभी पहले हम जलंधर जाएंगे, यहाँ से जलंधर जाने में अप्रॉक्स 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। उसके बाकी ट्रैफिक पर डिपेंड करता है कि कितना ट्रैफिक हमें रास्ते में मिलता है, क्योंकि जम्मू से जो है लखनपुर तक पूरा एक हाईवे क्रिएट किया जा रहा है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा सड़क भी ख़राब है। देखते हैं कि हमें आगे कितना ट्रैफिक मिलता है। फिलहाल हम रेडी होते हैं, चलो स्टे ट्यून्ड विद पीजे ब्लॉग। टाटा बाय बाय।